राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। मित्रों, आज हम आपको दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपने ही भाई से विवाह करना चाहती थी। मित्रों, बिना समय गवाएं आइए इस कथा को सुनते हैं। मित्रों, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की यह कहानी बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षसों की जीत होती। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई। देवताओं को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे, अर्थात वे भी इस विद्या को नहीं जानते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बुलाया और उसे कहा कि वह जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वह किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो हो सकता है कि यह काम आसान हो जाए। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनके पास जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ देखने से ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक प्रतीत होता था। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देखकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी मन ही मन उन पर मोहित हो गई। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से कहीं नहीं बताई। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। दैत्यों को कच्छ के आने पर यह आभास हो गया था कि कच्छ वहां मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने आया है। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच्छ ने संजीवनी विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, इसलिए वह चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वह सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पिता से कच्छ को फिर से जीवित करने को कहा। देवयानी ने रो रोकर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। गुरु शुक्राचार्य पुत्री देवयानी की कच्छ के प्रति प्रेम भावनाओं को समझ गए और हार कर उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने में तो आपको मात्र कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत हो जाएगा। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दैत्यों को पता लगा तो राक्षस इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद कच्छ को फिर से मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। यह देख अब तो राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, चाहे जो भी हो जाए, हमें कच्छ को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने एक चालाकी की। इस बार राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा, चलो अब तो कच्छ की छुट्टी हो गई। लेकिन देवयानी वह कहां मानने वाली थी। देवयानी ने जब कच्छ को कहीं न पाया तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने फिर से अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वह कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके अपने पेट में है। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। वे समझ गए कि यदि वह कच्छ को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मर जाएंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। तब कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया।
कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके अपने शिष्य के धर्म को निभाया, इसलिए शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया। उसने कहा कि उसके यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना था। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसके देवलोक वापस जाने का समय आ गया है और अब वह वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, इसलिए शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। वह शुक्राचार्य के पुत्र समान है और इस प्रकार से मैं तुम्हारे भाई समान हूं। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वह अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। कच्छ के विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंची। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वह कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी।